नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं डॉक्टर रवि गिरी, स्टडी के प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रीलिम्स टारगेट 2019 के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं नवंबर 2018 से जुड़े जितने भी साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हैं उनको लेके आपके सबके साथ रूबरू होता हूँ। इन वीडियोज़ में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में मैं आपको पीछे के वीडियोज़ से काफ़ी हद तक आपको समझा चुका हूँ। जिन चैप्टर्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे वो चैप्टर्स यहाँ लिखे गए हैं दोस्तों, उन चैप्टर्स को आप मैं फिर से रिपीट कर लीजिए। इन्हीं के ट्रेडिशनल और इनके करंट अफेयर्स के पोर्शंस को मैं लेकर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो नवंबर 2018 के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो UPSC प्रीलिम्स 2019 के साथ साथ जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हैं प्री और मेंस के लिए, उन सब के लिए वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, दूसरा एनर्जी, तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, चौथा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पांचवा डिफेंस टेक्नोलॉजी, छठा सुपर कंडक्टिविटी, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, सातवां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इट्स रिलेटेड राइट्स, आठवां एस्ट्रोनॉमी एंड पार्टिकल फिजिक्स, नौवां बायोटेक्नोलॉजी, दसवां चैप्टर है डिफरेंट डिजीजेज, इससे जुड़े हुए इश्यूज, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और विभिन्न तरह के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और लास्ट टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस यानी विविध। इन चैप्टर्स को आगे लेते हुए मैं आप सबके साथ दोस्तों इन चैप्टर्स को कवर कर रहा हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे इन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे जो PPTs हैं इन PPTs के लिंक को मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे इस फेसबुक पेज पे दिए गए प्रोफाइल से आप सीधा डायरेक्ट इस PPTs को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में जो पहला टॉपिक है वो इस करंट अफेयर से जुड़ा हुआ वो है इंस्पायर 2018। सो पहले चैप्टर में एक ही आर्टिकल है जो कि अब पेपर का इंस्पायर 2018। इंस्पायर के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, डेटास हैं जिसको मैं आपको बता दूं। ये सेकंड एडिशन है, दूसरी बार जो एक अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम कराया गया, और ये अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम जो कराया गया जनरली वो इंस्पायर को प्रमोट करने के लिए था, यानी इनोवेशन एंड रिसर्च इन एनर्जी एफिशिएंसी, जिसको ऑर्गेनाइज जो कराया गया सिंपोजियम दिल्ली में कराया गया। इस सिंपोजियम का जो मुख्य फोकस एरिया था वो जनरली जो ग्रिड प्रबंधन है, ई मोबाइलिटी सिस्टम है, फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, और डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम कर रही है, यानी ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, उन सबसे जुड़े मुद्दों पर एक डिस्कशन था जहाँ पर इनको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो बात होती है कि इंस्पायर एक्चुअली है क्या, ओके इंस्पायर 2018 है क्या, तो ठीक है उसका दूसरा सिंपोजियम हुआ, दैट इज ओके। इंस्पायर जो है दोस्तों एक जो स्थापित किया गया है उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एशियन डेवलपमेंट बैंक, UNEP यूनाइटेड नेशन वंडर प्रोग्राम एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर इंस्पायर को लाया है। अब बात होती है कि इंस्पायर 2018 जो है वो क्यों लाया गया है, इसके पीछे रीज़न जो है दोस्तों, जहाँ पे काफ़ी हद तक कोशिश की जाए, जो पॉलिसी मेकर हैं, डिफरेंट तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, खोजकर्ता हैं, जो लीडर्स वगैरह हैं, साइंटिस्ट हैं, लीडिंग एनर्जी एफिशिएंट डिफरेंट कंपनीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बिजनेस लीडर्स हैं, इन सबको एक साथ लाना, एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना और ऊर्जा एफिशिएंसी के लिए अच्छा खासा काम करना, इसी के लिए इंस्पायर प्रोग्राम लाया गया था। इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, डिफरेंट तरह की एनर्जी पॉलिसीज बनाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो भारत में ऊर्जा की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। आगे हम आते हैं दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी से जुड़े कई ऐसे आर्टिकल हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला आर्टिकल है एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड, यानी EERF। अगेन आई रिपीट, एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड। सो आइए दोस्तों, एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड क्या होता है, कौन लेकर इसको आया है। इसका मुख्य काम होता है कि जो डिफरेंट तरह के नए बिजनेसेस होते हैं, ओके, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। तो नए जो रिसर्च हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करता है। तो बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड के बारे में। इस फंड को जो लाया है दोस्तों, उसमें एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, इन सब ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था जहाँ पर $13 मिलियन एक फंडिंग स्थापित की गई थी, और जिसके द्वारा एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड आया था।
यानी कहने का मतलब है एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड टोटल US डॉलर 13 मिलियन यानी 130 लाख US डॉलर के साथ ये फंड स्टार्ट हुआ था, जिसको जनरेट करने में ESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी ने मिलकर कार्य किया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तीनों ने मिलकर काम किया है। अब बात होती है इसका मुख्य कार्य क्या है। पूरी तरह से जो एनर्जी है, ऊर्जा की जो दक्षता है या जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए यानी एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में प्रयास कर रहा है। यानी पूरी तरह से हम मार्केट को यहाँ पर काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई करने वाले हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हम लोग काफ़ी हद तक यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात यहाँ पे हो रही है। अब एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो होता है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर कार्य करता है और जनरली जो इसका कार्य है उस बारे में बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए कार्य करना है। दुनिया के जो बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी पोर्टफोलियो हैं, है ना, मतलब राष्ट्रों के पोर्टफोलियो, उनको तैयार करना है किस तरह से किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है और ऊर्जा के लिए प्रयास करना है। ओके, अब करीब ESL जो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो बनाया गया है उसमें US डॉलर 1.5 बिलियन का एक रिजर्व है जो इस कंपनी के पास इकट्ठा किया गया जाएगा। ठीक है, तो मतलब ESL के पास करीब 1.5 बिलियन US डॉलर 2020 तक इस कंपनी के पास होगा एंड डेफिनेटली इस पैसे को लेकर इन्वेस्टमेंट करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम करेगा। अब बात होती है इसको जनरली सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या करना होगा। तो गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पर, प्राइवेट बिजनेसेस के प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को मूव करने की ज़रूरत है। एनर्जी एफिशिएंसी जो सर्विसेज लिमिटेड का मुख्य एम है, जिसके बारे हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, एक तरह से नए ओवरसीज मार्केट बनाना है, एक नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करनी है जहां पर हम एनर्जी वगैरह को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई कर सकें। अगर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करूं तो इसका जो ऑपरेशन है कहां कहां शुरू हो चुका है, तो UK में हो चुका है, साउथ एशिया में काफ़ी जगहों पर हो चुका है और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हो चुका है। तो ये कंसेप्ट जो था एनर्जी एफिशिएंसी रिवॉल्विंग फंड के बारे में और इस फंड के लिए हम लोगों ने बात कर ली किसने लाया है और यहीं पर क्योंकि ESL के बारे में बात हुई थी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, तो मैंने आपको एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में भी सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे दी है, क्योंकि ये भी अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स। एक्चुअली आपके पेपर में क्या होता है कि सीधा सीधा क्वेश्चन जब नहीं आते हैं, क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से बेस्ड हैं वो पूछे जाते हैं लेकिन जिस टॉपिक से जुड़े हैं उस टॉपिक पे अनदर ऑप्शन बनाए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड फंडिंग के साथ आपको जान लेना चाहिए। एनर्जी में दूसरा टॉपिक है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट। भाई जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको पीछे के वीडियोस में भी बात की है, तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फंडिंग जो है दोस्तों, इसके बारे में बता दूँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो फाउंडेशन स्टोन यानी जो नींव रखा था, जिस प्रोजेक्ट का नाम है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, जहाँ जनरली 65 भौगोलिक क्षेत्रों को जो तकरीबन 129 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उनको कवर करने की बात की गई थी। उनको कवर करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा कार्य किया जाएगा, किस रेगुलेटरी बॉडी द्वारा कार्य किया जाएगा, तो उसको कार्य करने के लिए PNGRB स्थापित है, यानी कहने का मतलब है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब बात होती है कि ये जो CGD है यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। पहले बता दो दोस्तों, यहाँ पर हम जनरली जिस तरह के फ्यूल को यूज करने वाले हैं वो पर्यावरण के साथ किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं, यानी पूरी तरह से वो क्लीन फ्यूल है। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती है, तो जनरली बात करो नेचुरल गैसेस आते हैं, क्योंकि प्रकृति में जो गैसेस वगैरह पाई जाती हैं दोस्तों, उनका एक तो ऑक्टेन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्टेन नंबर मत बोलो, बेटर है कि उनका एनर्जी जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। जो CGD है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोजेक्ट नेटवर्क है, जनरली जो फोकस कर रहा है वो किसके लिए फोकस कर रहा है कि जो क्लीनर कुकिंग फ्यूल है, जैसे PNG वगैरह, PNG का हमने पीछे बात किया हुआ, पाइप नेचुरल गैस, वो प्राकृतिक गैस जो पाइपलाइन सप्लाई के द्वारा घरों घरों में जाती है, घरों घरों में खाना बनाने के लिए, उसको हम PNG कहते हैं। तो साथ साथ कह रहा है कि इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीनर कुकिंग फ्यूल, और साथ ही साथ हम जो फ्यूल को ट्रांसपोर्टेशन में यूज करने वाले हैं CNG को, उसको भी हमें सिटीजन्स तक, एक एक बंदे तक पहुंचाना है। अब बात होती है जो CGD नेटवर्क है, जो CGD नेटवर्क है वो किसको किसको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो एक तो इंडस्ट्रीज के बारे में बात होती है, दूसरा जो कॉमर्शियल लेवल पे जो बात होती है ना,
इन सबको पूरी तरह से इंश्योर करेगा कि नेचुरल गैस की सप्लाई हर किसी को प्रॉपर तरीके से मिल सके, क्योंकि किसी इंडस्ट्री और कमर्शियल पर्पस के लिए भी गैस वगैरह एज ए एनर्जी सोर्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आज की सितंबर 2018 में बात करें तो जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम CGD का नाम दे रहे हैं, वो कहाँ तक सक्सेस हुआ है, तो उसे कुछ फैक्चुअल डेटाज हैं, ज़्यादा फैक्ट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर 2018 तक तकरीबन 96 ऐसे सिटी या डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर CGD नेटवर्क पूरा हो चुका है। करीब करीब तकरीबन 46.5 लाख जो हाउस होल्ड्स हैं घरों में, वहाँ 32 लाख CNG व्हीकल्स आर अवेलिंग है ना, जो बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जहां पर क्लीन ऊर्जा की मदद ली जा रही है। क्लीन ऊर्जा का मतलब होता है दोस्तों जिससे पर्यावरण में किसी तरह का नुकसान ना हो। अब बात होती है अगर जो हम कमिटमेंट की जो बात कर रहे हैं, वहां पर डिफरेंट तरह के जो बिडिंग्स हैं, ऐसे कह लो कि 2 करोड़ PNG सप्लाई है, कनेक्शन है, जो तकरीबन जिसके लिए 4600 CNG स्टेशंस इवन एक्सपेक्टेड हैं, जिनको इंस्टॉल करना है अगले 8 सालों में, जो कि इस CGD के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। अब बात होती है ऐसा क्यों किया जा रहा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, तो यहाँ पर तकरीबन कह दूँ दोस्तों कि यहाँ पर हमारे इंडिया में फ्यूल वगैरह को लेकर आज भी समस्या है। और हम अगर COP21 की बात करें, जहाँ पेरिस कन्वेंशन की बात करें, तो हम बहुत शपथ खाकर आ चुके हैं कि हम अपने अपने इंडिया में यानी अपने देश में ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब CNG और PNG टाइप के सोर्सेज को एज ए ईंधन जब आप लोगे, तो इनसे ऊर्जा के लेवल की काफ़ी हद तक, सॉरी पॉल्यूशन की जो होगी काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। तो आप चीज़ों को लॉजिकली समझना जो मैं कह रहा हूँ, तो इसकी मदद से क्या होगा, कोई पर्यावरण में प्रदूषण होगा नहीं, तो हेल्थ के लिए एनवायरमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं फ्लाई ऐश पर। फ्लाई ऐश पर अगर हम बात करें, तो फ्लाई ऐश पर प्रश्न 2015 के प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है। वहां पर जब उन्होंने पूछा था कि पोर्टलैंड सीमेंट में इसका यूज होगा, ब्रिक इंडस्ट्री में और सीमेंट इंडस्ट्री में से बड़ी डिमांड है, तो वही वाले क्वेश्चन यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा यहाँ पे ठीक से एक बार और बात करेंगे, क्योंकि फ्लाई ऐश इस बार भी न्यूज में रहा है, जबकि ये क्वेश्चन 2015 के प्रीलिम्स में आ चुका है। फ्लाई ऐश पे क्वेश्चन 2015 के प्रीलिम्स में आ चुका है। असल में जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसने 5 करोड़ रुपए पर पेनल्टी की बात की है, जो तापी ऊर्जा संयंत्र है यानी थर्मल पावर प्लांट या कोयले से बिजली बनाई जाती है, जहां जिसके पीछे रीजन जो है वो फ्लाई ऐश के डिस्पोजल को लेकर है, क्योंकि जब कोयले के जलने से जो उसका वेस्ट बनता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं और उसका डिस्पोजल सही नहीं किया जाता। तो ऐसे केस में NGT ने इन पर अच्छे खासे फाइन लगाने की बात की है, और वो फाइन भी कम नहीं, कम से कम 5 करोड़ रुपए है। अब बात होती है यहाँ पे एक चीज़ और, हम लोग बात कर लें कि जो फ्लाई ऐश है वो किस स्तर पे समस्या उत्पन्न करता है। तो फ्लाई ऐश जो होता है दोस्तों, वो अगर देखो तो आपका वायु प्रदूषण के लिए भी है प्रॉब्लम, और एक तरह से जल प्रदूषण में भी एक तरह से प्रॉब्लम। इतना ही नहीं, साथ साथ जो पौधे वगैरह होते हैं किसी गाँव के एरिया में, जो वेजिटेशन होता है, वो वेजिटेशन भी बर्बाद करते हैं। ऐसा कहते हैं कि फ्लाई ऐश अगर हम पॉल्यूशन में चले जाएं, तो फ्लाई ऐश जो है वो PM पार्टिकल 2.5 की साइज का होता है, पार्टिकल मैटर जो फाइन होता है, और रिस्पायरेबल पॉल्यूशन पार्टिकल होता है, तो आपके सांस लेते समय आसानी से आपकी बॉडी में चला आता है। इसकी मात्रा ज़्यादातर समर में ही होती है, इवन ये हवा में उत्पन्न होते हैं, और तकरीबन ये 10 से 20 किलोमीटर तक के रेडियस में जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ से दूर तक जा सकते हैं। फ्लाई ऐश में बहुत सारे इवन हैवी मेटल्स भी होते हैं। यहाँ पे एक बात बता दूँ, क्वेश्चन 2011 में पूछा गया, जो मुझे भी याद आ रहा है कि कोयले के जलने से कौन कौन सी पॉल्यूटिंग गैसें निकलती हैं, तो एक आंसर CO2 था, एक ऑप्शन SO2 था, एक ऑप्शन NOx था। एक बात मैं और बोलूँगा कि फ्लाई ऐश में जहाँ हैवी मेटल्स का यूज़ नहीं करते, फ्लाई ऐश में ऑलरेडी होते हैं, तो एक तो ये गैसेस निकलती हैं, और प्लस साथ ही साथ फ्लाई ऐश के जलने पर हैवी मेटल भी निकलता है। लेकिन साथ ही साथ मैंने बोला जो राख बच जाती है, जिसको हम उड़न राख बोलते हैं, उसे हम फ्लाई ऐश ये भी बनता है। फाइन, तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि जब कोल के जलने के बाद जो फ्लाई ऐश बनता है, तो हाँ PM 2.5 के फ्लाई ऐश तो बनते ही बनते हैं, साथ में ब्लैक कार्बन भी होता है। ओके, और ये काफी एरिया तक ये ट्रेवल करके आगे बढ़ता भी है। अब बात होती है कि अगर हम फ्लाई ऐश की बात करें, तो फ्लाई ऐश की जरूरत कहाँ कहाँ है, अगर बात करें तो फ्लाई ऐश की डिमांड भी कहाँ कहाँ है। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज होते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में इसका अच्छा डिमांड है। करंटली इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो पोर्टलैंड सीमेंट वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज किया जाता है।
यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, क्वेश्चन जैसे है कि जो सीमेंट इंडस्ट्री होती है उसके अलावा जैसे जो ब्रिक इंडस्ट्री होती है उनने भी जब हम मिट्टियां मिट्टियों को लेकर और उसमें जब जब हम ईंट बनाने वाले होते हैं ब्रिक में, तो उसमें भी हम इस तरह की चीजों को मिला देते हैं जिससे वो जो वॉल होती है इन ब्रिक्स की वजह से वो फायर रेजिस्टेंस वॉल हो जाती है। रास्ते वगैरह के जो एम्बार्कमेंट होते हैं उसके निर्माण में, जो लो लाइंग एरियाज हैं, निचली एरियाज हैं, उनमें भी फ्लाई ऐश का अच्छा खासा उपयोग होता है। तो ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन भी हो गया, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह भी इसका यूज करते हैं, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। और दूसरी चीज बताऊं तो फ्लाई ऐश वगैरह में थोड़ी सब्सिडी वगैरह भी है, तो इससे बनी हुई जरूरत की चीजें जो होती हैं काफी सस्ती भी पड़ती हैं। आगे बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी की। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी में अभी भारत में एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक साइंटिस्ट को जिसका नाम है नागेश्वर राव गुंटूर। यही जो है चेयरपर्सन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के हैं। अब बात होती है कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड क्या होता है, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना जो हुई है नवंबर 1983 में की गई है, जो एक तरह से एक नियंत्रक तरीका है, नियंत्रण में रखने का तरीका है, जहां पे न्यूक्लियर एनर्जी और उससे होने वाले जो रेडिएशंस होते हैं कंट्री वाइड उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, कहीं गलती से इस तरह की चीजें ना हो जाए। अब बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो लाया गया था, वो भारत के प्रेसिडेंट द्वारा ही लाया गया था। तो सेक्शन 27 एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंदर आता है, जहां पूरी तरह से सेफ्टी कंसीडर करना है न्यूक्लियर एनर्जी और उससे जुड़े हुए रेडिएशन को लेकर, जिससे मानव इन्वायरमेंट किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो AERB, जिसको हम बोले एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये डिफरेंट तरह के नियम बनाता है, डिफरेंट तरह के नोटिफिकेशन जारी करता है। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आता है। तो इस मिशन का पूरा उद्देश्य क्या है दोस्तों, कि जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो भारत से निकलते हैं इन सब डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज से, उनसे किसी भी तरह का हेल्थ और इन्वायरमेंट इशू ना हो, जो मैं आपको बता चुका हूं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब एटम बम गिरता है, ध्यान रखना दोस्तों, जब एटम बम गिरता है तो उस एरिया में ऊष्मा बहुत बढ़ जाती है, यानी कहने का तात्पर्य है टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, लोग पिघल कर इवेपोरेट होकर मरने लगते हैं। ये होता है शॉर्ट टर्म का, यानी जब बम गिरा है तभी होता है। उसके बाद क्या होता है, उस एरिया में रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कह रहा हूं, या मटेरियल होते हैं, ये उन एरिया में छितर जाते हैं और इनसे होते हैं रेडिएशन। और ये रेडिएशन जो होते हैं वो एक या दो जनरेशन नहीं, ये कई जनरेशन तक होते रहते हैं। इसीलिए हिरोशिमा नागासाकी में आज भी लोग फिजिकली डिसेबल हैं, तो ये रेडिएशन वगैरह का ही दुष्परिणाम है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले यूनिट्स में, अगले चैप्टर में, अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए। दोस्तों नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप जो फिर इस महीने में नवंबर में न्यूज़ में रहा है, उसके पीछे क्या इशू है उस बारे में हम बात करने हैं पहले यहाँ। एक तो दोस्तों नासा का केपलर मिशन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केपलर का जो स्पेस टेलीस्कोप है, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, सॉरी केपलर का बोल रहा हूँ, इट्स रॉन्ग, उसका जो फ्यूल है करीब करीब वो ख़त्म होने के कगार पे है। और ऐसा कहते हैं तकरीबन 9.5 मंथ का जो मिशन है वो अब समाप्त हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हाइबरनेशन वगैरह अवस्था में रोकने की बात की गई है। करंटली अगर हम देखें तो इसने जो ऑर्बिट किया है वो करीब सन से 156 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, जो सूर्य के चारों तरफ मतलब 156 मिलियन किलोमीटर, मिलियन का मतलब हो गया 10 लाख, यानी अगर आप कैलकुलेट करें तो 1.560 लाख किलोमीटर की बात हो रही है, ठीक है। इतने मतलब पूरा एक ऑर्बिट है जो इस डिस्टेंस तक जाकर ये कवर कर रहा है। और सही बात बताऊं दोस्तों तो ये हमारा जो प्लैनेट है इसका पूरा जो रेडियो ट्रांसमीटर्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं, जिनकी मदद से जो ये टेलीस्कोप है पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें। वैसे मिशन 2009 में भेजा गया था, ये करंट में यही है दोस्तों जो यहाँ लिखा हुआ है कि 9.5 मंथ में इसका फ्यूल जो है ख़त्म होने के कगार पे, जो नया न्यूज़ में था। तो फिर आप देखो तो बैकग्राउंड में केपलर स्पेस टेलीस्कोप आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो गया। तो केपलर मिशन जो जनरली डिज़ाइन किया गया था वो हमारा जो अपनी गैलेक्सी है जिसमें हम लोग रहते हैं, मंदाकिनी मिल्की वे, ठीक है, उसमें करीब हज़ारों, सैकड़ों नहीं फिलहाल हज़ारों, या 100 लिखा हुआ है, अर्थ के साइज़ के और उससे भी छोटे बड़ा जो है ना, जहाँ पर मतलब प्लैनेट्स हैं, जहाँ पर जीवन की संभावना वगैरह है।
और इन सब जगहों की स्टडी हम करने वाले हैं जो हमारे गैलेक्सीज में ये चीज़ें पाई जाती हैं। इवन मार्च 2018 में जो न्यूज़ में था कि कैपलर ने तकरीबन 2342 कन्फर्म प्लैनेट ढूंढ डाले हैं, और इसमें बहुत ऐसे हैं जो कि तकरीबन अच्छा एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा गया जो मुझे अभी याद आ रहा है, गोल्डीलॉक जोन के बारे में शायद पिछले टर्म पे मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी 2016 में प्रश्न में आया हुआ है। गोल्डीलॉक जोन किसको कहते हैं? तो वही हैबिटेबल जोन जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स हैं जहाँ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ होती है, उनको हम गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। तो ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे लिक्विड वाटर होना, आइस होना, ओशन होना, लेक होना, इस तरह की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट होता है जैसे पृथ्वी का होता है जिसपे जीवन रह सकता है। तो उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। नासा का जो डॉन एक एस्ट्रॉइड मिशन है, इसके बारे में बात करते हैं। नासा स्पेसक्राफ्ट ने जो लॉन्च किया है डॉन मिशन, ये तकरीबन 11 साल पहले की बात है जब ये भेजा गया था, और दो ऐसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट हैं जो एस्टेरॉइड्स बेल्ट में हैं उनकी स्टडी के लिए, ठीक है। सो जनरली जो डॉन है उसमें उसके मिशन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ किया गया है, और इसमें जो स्पेसक्राफ्ट एंटीना है उसको हमने जनरली अर्थ की तरफ घुमा दिया है, क्योंकि हाइड्रोजन जो फ्यूल वगैरह है ऐसा ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा किया गया क्यों ना इसको सन की तरफ अगर हम डायमेंशन में घुमा दें तो जो सोलर पैनल हैं वो पावर लेकर और उसकी लाइफ को थोड़ा और चला देंगे। तो ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो भेजा गया है कॉस्मिक बॉडी की स्टडी करने के लिए, जिनमें जनरली हम एस्टेरॉइड बेल्ट की बात करते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है। ये बार इसने बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स दिए भी हैं अगर हम बात करें तो, और इसने एक एस्टेरॉइड वेस्टा है जिसकी स्टडी इसने की है, उसके चारों तरफ से चक्कर लगाया उसकी कक्षा में। पूरी तरह से ये अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट है जो ट्रेवल किया है 4.3 बिलियन माइल्स किलोमीटर, जिसको 6.9 बिलियन किलोमीटर आप कहते हैं, और इसे 2007 में भेजा गया था, और फिर मैं बोल रहा हूँ जिसका 11 ईयर्स पूरा हो चुका है। नासा का ओरियन स्पेसक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये भी यूरोप का एक एयरबस है जो यूरोप का एक एयरबस पावर हाउस जिसको हम कहते हैं, जो लगाया गया है इस नासा के ओरियन स्पेसशिप में। तो ये है न्यूज़। तो जो ओरियन स्पेसशिप है वो है तो एक्चुअल में नासा का मिशन, और लिटरली बताऊं दोस्तों तो ये ऐसा शिप है, ऐसा मिशन है जहाँ पे हम बहुत अधिक दूरी तक किसी मानव को भेजने की बात कर रहे हैं। असल में होता क्या ना, पूरी दुनिया में एक होड़ लगी है जैसे रशिया, यूरोप, अमेरिका की, स्पेस में सबसे ज़्यादा, सबसे अलग, सबसे बेहतरीन काम कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे अलग और सबसे बेहतरीन काम करने के लिए एक मिशन ओरियन मिशन भी है। अभी तक जैसे मैन को आप लोगों ने मून तक भेजा है, तो मून ही सिर्फ मैन को भेजने के लिए नहीं, बियॉन्ड इट और भी ज़्यादा दूरी तक भेजने के लिए कहीं ना कहीं ये ओरियन स्पेसशिप जो है इसको बनाने की बात की गई थी, जिसको यूज़ करने की बात हो रही है। उस ओरियन शिप में, स्पेसशिप में जो पावर सोर्स है वो एक्चुअल में यूरोप एयरबस, यूरोप की जो एयरबस है, जो कंपनी है जो मतलब चीज़ें बनाती है, उसने ही इसको पावर हाउस एज अ पावर एनर्जी सोर्सेस देने की बात की है, क्योंकि उसका एनर्जी सोर्सेस तरह की चीज़ें यहाँ पे काफ़ी एडवांस है। तो वही कह रहा है कि एयरबस जो यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल है, ठीक है, जो दिया जाएगा एज अ पावर हाउस की तरह काम करेगा, जो उसका प्रतिरोधक है, वो पावर थर्मल कंट्रोल कंजमेबल टू ओरियन क्रू मॉड्यूल्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगाई गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत टेक्निकल होने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। नासा का जो ओरियन स्पेसक्राफ्ट है मैं जिस बारे में बता रहा था आपको, ये ह्यूमन को ले जाएगा और फर्दर ले जाएगा, यानी इतनी दूर ले जाएगा जितनी दूरी तक आज तक कभी किसी मानव को स्पेस में नहीं ले गया है। ओरियन जो है वो नासा द्वारा जो उसका रॉकेट है उसकी मदद से ले जाएगा, मैंने आप खुद बोला है, लेकिन उसमें वो याद रखिएगा जो नया न्यूज़ में है, उसका जो पावर हाउस जो यूरोप एयरबेस सिस्टम है, एयरबस सिस्टम है, एज अ पावर हाउस की तरह वो यूरोप का ही होगा। नासा का इनसाइड स्पेसक्राफ्ट जो है लैंड्स ऑन द रेड प्लैनेट आफ्टर 6 मंथ जर्नी, तो मतलब 6 महीने में ये हमारा मंगल की सतह पे पहुंचने वाला है नासा का इनसाइड स्पेसक्राफ्ट। इसके बारे में भी न्यूज़ में रहा है, इसमें भी बात कर लेते हैं दोस्तों। इनसाइड जो एक नासा का स्पेसक्राफ्ट है, जनरली जो बनाया गया है मून की सतह पर उसकी डीप स्टडी करने के लिए, सॉरी मून कह रहा हूँ, मार्स की स्टडी के लिए, उसी डीप स्टडी के लिए। ऐसा कहते हैं ये उसके सतह पर तकरीबन 6 मंथ के अंदर पहुंच जाएगा, करीब 442 मिलियन किलोमीटर की जर्नी है जो पूरी कर रहा है।
नासा का ये नौवां ट्राई है जो हमने मार्स पर स्टडी करने की कोशिश की है। इसकी पहली जो ट्रायल था नासा का 1976 में विकिंग प्रोब्स के नाम से जाना गया है और काफ़ी हद तक आप इंडिया को खुद जानते हैं, भारत ने भी मंगलयान पर एक मिशन 5 नवंबर 2013 को मिशन भेजा था, मंगलयान फर्स्ट। नासा ने जो लास्ट टाइम में जो मैन मार्स मिशन भेजा था दोस्तों, वो 2012 में भेजा था, जिसका नाम था क्यूरोसिटी रोवर। अब बात करते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस मिशन का। तो आपको बताऊं कि क्योंकि ये डीप सरफेस ऑफ द मार्स पे उतर रहा है, तो काफ़ी हद तक ये रॉकी जो प्लैनेट्स होते हैं उनके इनर सोलर सिस्टम, यानी कहने का मतलब है इंक्लूडिंग अर्थ, मोर देन 4 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ की ओरिजिन हुई है उसके बारे में कहीं ना कहीं बताएगा। आपको पता है अर्थ की ओरिजिन कब मानते हैं? जैसे बिग बैंग जो है वो यूनिवर्स की ओरिजिन 13.6 बिलियन ईयर एगो मानते हैं। बिलियन ईयर्स मतलब होता है दोस्तों अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी का तकरीबन 4.6 बिलियन ईयर्स एगो मानते हैं, यानी तकरीबन 406 अरब वर्ष पूर्व। तो वही बात कह रहा है कि अर्थ की ओरिजिन मार्स की ओरिजिन से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे की गुत्थी सुलझाने में मदद करेंगी। असल में होगा क्या, हम यहाँ पर हम बहुत तरह के ऐसे मार्स पे जाने के बाद वाइटल साइन को चेक करेंगे, जिस खतरा हो सकता है, जैसे वहाँ पे सिस्मोलॉजी, वहाँ पे टेम्परेचर वगैरह का अध्ययन करेंगे, वहाँ पे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं, प्रिसन ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, वहाँ पे सुरक्षित उतर सकते हैं नहीं उतर सकते, इन सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर हम विज्ञान के माध्यम से इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो कहाँ से आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन 2017 में पूछा था कि जूनो मिशन कैसे अर्थ की ओरिजिन के बारे में बताता है, यानी कहीं ना कहीं जूनो मिशन जो जुपिटर की स्टडी के लिए बोला गया था वो भी अर्थ से ही सिमिलरिटी रखता है। चाइना जो है एक हेवनली पैलेस स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है, अभी 2022 तक बनाएगा, देखते हैं। और पूरी तरह से जो परमानेंट क्रू स्पेस स्टेशन है हमारे पास, उसका एक कॉपी होगा, ये पूरी तरह से एक कॉपी होगा। तो नासा का जो चाइना का हेवनली पैलेस के नाम से स्पेस स्टेशन जो बनाने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ये एक 17 मीटर कोर मॉड्यूल होगा जो पूरी तरह से, जिसका मान रहे हैं कि वो 60 टन ऑर्बिटिंग लैब होगा जो अपनी कक्षा में चक्कर लगाएगा, और यहाँ पे बायोलॉजी से जुड़े हुए, माइक्रोग्रेविटी से जुड़े हुए जितने भी रिसर्च होंगे जो संपादित होंगे। ऐसा कहते हैं कि ये करीबन 2022 तक बना लिया जाएगा और इसका पूरा जो जीवन चक्र होगा वो 10 साल का होगा, यानी वहां रहकर ये 10 साल तक काम करेगा। तो ये भी एक तरह का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, और इसके पहले भी एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाया जा चुका है, बनाया जा चुका है, जो US, रशिया, कनाडा, यूरोप और जापान के सहयोग से हुआ है। ऐसा कहते हैं कि 1998 से ये ऑपरेशन में है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और 2024 तक ये बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 2022 उसके बाद हो सकता है चाइना का भी स्पेस स्टेशन काम करे, या कुछ और भी हम चीज़ों को ले जाए समय के साथ। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, एक जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी जगह होती हैं जहां पर जनरली हम माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट में होते हैं, यानी गुरुत्व बल का मान पृथ्वी की अपेक्षा काफ़ी हद तक कम चला जाता है। तो पृथ्वी के कम गुरुत्व पर, यानी ऐसी जगह जहां पर गुरुत्व बल का मान कम हो, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, ह्यूमन बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारे जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं उसके लिए एक जगह भी उचित हो गई। मार्स और मंगल पे कोई बड़े लेवल पे मिशन भेजना है तो छोटे लेवल पर आप भेज के देख सकते हैं, क्योंकि जनरली जो स्पेस स्टेशन होते हैं वो 330 से 435 किलोमीटर की हाइट पर ही होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स वगैरह, ऐसा कहते हैं देखो तकरीबन इट कम्प्लीट 15.54 ऑर्बिट पर डे, यानी एक दिन में तकरीबन वो 15.54 ऑर्बिट पूरा कर लेता है, जो कि जनरली ये पोलर ऑर्बिट में होता है। पोलर ऑर्बिट का मतलब होता है ध्रुवीय कक्षा में, ध्रुवीय कक्षा का मतलब मान लो ये अर्थ है तो जो पोल टू पोल घूमता है। बाकी इसके बारे में और चीज़ें मैं बता चुका हूँ, इसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप यूनियन है ना, ये सारे के सारे, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इन लोगों ने इसके लिए काम किया हुआ है। ग्रोथ इंडियन टेलीस्कोप की भी न्यूज़ में रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों। ग्रोथ इंडियन टेलीस्कोप जो है वो 0.7 मीटर का एक टेलीस्कोप है जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा लगाया गया है, और जनरली जो लोकेटेड है ये हेनले में होगा, लद्दाख में होगा, और ये पहला ऐसा अगर बोले तो साइंस ऑब्जर्वेशन होगा जो कहीं ना कहीं नोआ के एक्सप्लोजन्स की स्टडी करेगा।
सुपरनोवा टाइप का जो बस्ट होता है एटमॉस्फेयर में, स्पेस में, उस तरह की घटना के बारे में पता करेगा ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ का पूरा नाम है ग्लोबल रिले ऑफ ऑब्जर्वेटरीज वॉचिंग ट्रांजिएंट हैपन। ओके, कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो होंगी यूनिवर्स को समझने में मदद करेंगी। पूरी तरह से ये रोबोटिक टेलीस्कोप है। ओके, यानी मशीन टाइप की चीजें हैं जिसमें पूरी की तरह प्रोग्रामिंग की गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो डिफरेंट रिसर्च यूनिवर्सिटीज के चीज़ हैं, जैसे यूएस के हैं, यूके के हैं, जापान, इंडिया, जर्मनी, ताइवान, इसराइल के हैं, ये भी इसके पार्टिसिपेटरी हैं, मतलब इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप जो इंडिया की बात हो रही है। असल में जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अनुसंधान का जो हम ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप से करने वाले हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉमी के बारे में समझने में मदद मिलेगी। बहुत सारे ऐसे वेरिएबल सोर्सेज होते हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लाइट होता है, उससे बदलते हुए उसके रेडिएशंस होते हैं, उसकी ब्रह्मांड में किस किस तरह के सन के लाइट रेडिएशन के बदलाव होता है, उन सारी स्टडी को करेगा। नोवा ऑब्जर्वेशंस किसको कहते हैं, तो उसके बारे में बात बता रहा हूँ। नोवा एक तरह से एक एक्सप्लोसिव इवेंट्स है जो वाइट ड्वार्फ जो होता है, सफेद बौना जो तारे होते हैं, उनकी सतह पर होने वाली घटना है, जहां पर उनकी जो लाइट होती है, जो तारे का, असल में तारे का एक साइकिल होता है, तो वहां पर तारों की जो शाइनिंग होती है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। ओके, ये पूरी तरह से सुपरनोवा की तरह नहीं है ये, लेकिन कम हाउ इट इज कनेक्टेड विद द सुपरनोवा। सुपरनोवा भी जो होता है वो किसी तारे का लास्ट फेज होता है या डेथ का फेज होता है, जहां बहुत सारे ब्राइटनेस के साथ वो तारा वहीं मर जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। फिलहाल इस पे अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर क्या है। हाइसिस और पीएसएलवी C43 पर बात करेंगे। इस बार का करंट अफेयर्स रहा है हाइसिस, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम लोग पीएसएलवी C43 के बारे में बात कर लेते हैं। इसने 31 उपग्रहों को एक साथ लेकर गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरि कोटा से। यहां पर एक चीज आई है जिसको हम बोलते हैं हाइसिस। हाइसिस क्या है? यह अर्थ सरफेस विजिबिलिटी के लिए लगाया गया एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट के अंदर का एक पेलोड है, या ओवरऑल कह लीजिए, सॉरी, एक मॉड्यूल है। जैसे होता है कि दोस्तों की मैं थोड़ा फिर बेसिक समझा देता हूँ। जब आप लॉन्च व्हीकल से किसी सैटेलाइट को भेजते हैं तो बहुत सारी तरह के सैटेलाइट, जैसे 31 सैटेलाइट भेजे गए, तो यहाँ पे कुछ हमारे हैं और बहुत सारे अलग कंट्री के, तो उन्हीं में से एक पार्ट जो है वो हमारा हाइसिस है। तो हाइसिस जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अर्थ की सतह की जो विजिबिलिटी, उसको देखना, जो अर्थ पर जो अवरत खड़े इंफ्रारेड हैं या कम तरंगदैर्ध्य वाली इंफ्रारेड रीजंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से इनकी स्टडी करना, की स्टडी करना। और एक बात और बता दूं, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो इस तरह की हाइसिस के बारे में बात कर रहा हूं, इसरो के पहला ऐसा सैटेलाइट है जो इस तरह की क्षमता वाला होगा। इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरे लगाए गए, इसीलिए इसको HYSIS बोला गया है, जो काफी हद तक वेल डिफाइंड अर्थ की इमेजेस देगा और अर्थ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ पे जो चीजें होती हैं उनके बारे में बताएगा। जैसे कहीं ना कहीं अगर बोलें तो डिफेंस में भी मदद करेगा, एग्रीकल्चर, लैंड यूज, मिनरल्स वगैरह के प्रोस्पेक्टिंग्स वगैरह में भी उनकी जानकारियां वगैरह देने में मदद करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट जो होता है, इस बारे में बता चुका हूं, जो 380 किलोग्राम का है जो लगा रहे हैं, और जो जनरली अर्थ की स्टडी के लिए होगा। लास्ट में यहाँ बात कर लें कि HYSIS इन सब चीज़ों की जरूरत क्या है, तो इस बारे में हमने बात कर लिया है कि सन से आने वाली इंफ्रारेड, विजिबल, इन सब की स्टडी करेगा, और साथ ही मैंने भी बता चुका है कि हमारे अर्थ पर मैपिंग वगैरह इंफॉर्मेशन करेगा, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, कोस्टल जोन, इनलैंड वाटर, इन सब के बारे में बताएगा। आगे बढ़ते हैं G-SAT-29 के बारे में। G-SAT-29 भी इस साल करंट अफेयर्स में रहा है। G-SAT-29 क्या है दोस्तों? G-SAT-29 एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। G-SAT-29 जो इसका सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट है, जो जिसकी मदद से ले जाया गया, उसका नाम है GSLV-MK3-D2। और यहाँ पे भी देखो दोस्तों, फिर यहाँ बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GSLV-MK3-D2, क्योंकि इसकी मदद से ही कहीं ना कहीं हम लोग गगनयान मिशन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी गगनयान जो जाएगा उसमें कहीं ना कहीं GSLV-MK3-D2 का ही उपयोग होगा, है ना, MK3 का उपयोग होगा। तो अब GSLV-MK3 के बारे में बता दूं, तो GSLV जितने भी हैं सारे के सारे तीन चरण वाले हैं,
है ना, थ्री स्टेज वाले हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज में अगर हम बात करें तो सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट भरा हुआ है, थ्री नेचर में बात करें तो लिक्विड नेचर भरा हुआ, थ्री अगर नेचर में बात करें तो उसमें क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है। क्या लगाया गया? क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया गया है, तो इससे मिलकर पूरा जीएसएलवी तैयार होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं जीएसएलवी 29, जिसको जीएसएलवी MK3D2 की मदद से ले जाया गया। इसमें मल्टी बैंड है, यानी बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर्स वगैरह इसमें लगाए जाएंगे। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से संचार, सूचना ये सारी चलती हैं, जिनको हम सैटेलाइट में लगाते हैं। तो बहुत सारे ट्रांसपॉन्डर, बहुत सारी बैंड वाले लगाए जाएंगे। इनमें मल्टी बीम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसमें KU बैंड ट्रांसपॉन्डर, KA बैंड ट्रांसपॉन्डर जैसे ट्रांसपॉन्डर हैं जो लगाए गए। सबसे स्पेसिफिक बात क्या है कि स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यतः वहीं के लिए है। कुछ अलग भी हैं, जैसे Q&V बैंड कम्युनिकेशन पेलोड को भी हम समय के साथ फ्यूचर में लगाने की बात कर रहे हैं इन उपग्रहों में, जहां पे संचार सूचना को और हद तक और बेटर कर लिया जाएगा। बाकी GSLV MK3D2 के बारे में मैंने आपको बता दिया, सेकेंड फ्लाइट है, जिसकी वजह से भारत को कहीं ना कहीं एक होप है कि भारत अंतरिक्ष में इंसानों को भी भेजेगा। संचार और सूचना में आते हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। भारत को चौथा मेंबर बना लिया है, फिलहाल भारत ITU में तो मेंबर है, लेकिन इसके जो सदस्य वाले जो ग्रुप हैं जो इसका संचालन करते हैं उसकी बात हो रही है। ITU के बारे में पीछे के जितने भी मंथ के वीडियोस में दो बार मैं ITU के बारे में खुद डिटेल पढ़ा चुका हूँ, यहाँ मैं सिर्फ करंट अफेयर्स के इशू को लेकर आपके साथ चल रहा। यहाँ पर जो इशू है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ कि इंडिया को इलेक्टेड कर दिया गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जो काउंसिल है उसका मेंबर, है ना, इंडिया को नियुक्त कर दिया गया है, यानी बना दिया गया है जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन काउंसिल है उसका मेंबर, और ये तकरीबन आगे 4 सालों के लिए भारत इसका मेंबर रहेगा, जो 19, 20, 21 और 22 के लिए होगा। और ये जो काउंसिल थी अभी जो संपादित हुई थी जब भारत को मेंबर बनाया गया है, ये दुबई में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था 2018 में। यहाँ ऐसा कहते हैं कि तकरीबन भारत के फेवर में काफी लोगों ने वोट दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। शक्ति जो इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है और जहां पे भारत को बहुत सारी आशाएं हैं, क्योंकि हम अभी इन माइक्रोप्रोसेसर्स को हम दूसरे कंट्री से लेते हैं जहां पे हमारे डेटा वगैरह हैक करने की कोशिश हो सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य जो है वो आप समझ रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग शक्ति के बारे में बात करते हैं। शक्ति जो है वो पूरी तरह से जो निर्मित है, जो बनाया गया है, वो IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। एक छोटा सा चिप है जिसको इसरो के एक लेबोरेटरी है, सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी एट चंडीगढ़, इन दोनों का एक अच्छा खासा एक संयुक्त उपक्रम है, ऐसे कह सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इसको लाया है वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसने इनकी फंडिंग वगैरह सारी की सारी चीजें की थी। अब माइक्रोप्रोसेसर के बन जाने से क्या होगा, अब हम जनरली जो माइक्रोप्रोसेसर माइक्रोचिप दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, अब हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मैंने आपको अभी बोला था कि जैसे हम जो माइक्रोप्रोसेसर वगैरह जो लेते हैं वो चाइना वगैरह से लेते थे, तो होता क्या था दोस्त कि हमारे जो डेटा थे वो डेटा उन अपने जो प्रोसेसर होते थे माइक्रोचिप्स वगैरह लगाए जाते थे उनसे ले लिया करते थे। यानी कहने मान लो किसी तू किसी कंट्री का डिवाइस लगा रहे हो, अपने का सॉफ्टवेयर और चीजें ओपन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो डेटा को हैक करके इंटरनेट के थ्रू अपने कंट्री में भेज देते थे। तो वही बात करो, वही कर अगर आप अपना ही माइक्रोप्रोसेसर बनाओगे, अपने ही में लगाओगे, तो हैक होने की संभावना नहीं रहेगी। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस बारे में इस बार न्यूज में रहा, और बिल्कुल मेरी इच्छा है कि मैं इस बारे में आपको बताऊं कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे क्या है। आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो जरूर सुना होगा, ठीक है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर 2018 को सेलिब्रेट किया जाता है, और अब आप जान चुके हैं ये मंथ जो है, जिस मंथ का मैं करंट अफेयर आपको यहाँ करा रहा हूँ, वो नवंबर 2018 का है। अगर यहाँ हम बात करें तो महात्मा गांधी जी का, ठीक है, एक पहली बार एक इंटरव्यू कह लीजिए, या वो दुनिया वालों के भारत में दुनिया वालों के सामने आए और इंडिया रेडियो पर, और वो पहला भी था और वो लास्ट भी था। ओके, दिल्ली में 1947 में,
और ये पर्पस जो था दोस्तों, उस समय जो डिस्प्लेस पीपल थे पाकिस्तान इंडिया, जो पूरी तरह से कुछ कुरुक्षेत्रा में हरियाणा में है ना, इन सब एरियाज में जो सेटल हो रहे थे, उनको प्रॉपर एड्रेस करने के लिए, उनसे प्रॉपर कनेक्ट होने के लिए ये चीज़ हुई थी। इसीलिए 12 नवंबर 2018 को दुनिया में पहली बार भारत में महात्मा गांधी इस स्तर पर लोगों से मिले थे और ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू, इसलिए इस दिवस को, इसको हम भारत में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे भी कहते हैं। अग्निवन मिसाइल के बारे में बात करते हैं। एक्टिव 4 पे 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं गंदे गंदे से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर मैं कहूंगा आपको कि जुलाई या अगस्त में मैंने आपको अग्नि के सारे स्टेजेस बताए हैं, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 सारे टाइप्स बताए हैं, उनकी कितनी डिस्टेंस है, उतनी कितनी दूरी है जहां तक वो गोला बारूद फेंक सकते हैं। यहां हम लोग एक बार अग्नि 1 देख लेते हैं क्योंकि फिर ये न्यूज में रहा है, जिसका हम परीक्षण वगैरह कहां करते सबको पता है। उड़ीसा, जिसका आजकल अब्दुल कलाम करके नाम रख दिया गया है। अग्निवन जो है दोस्तों, वो शॉर्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। इसमें सिंगल स्टेज मिसाइल होता है और जो भी होता है वो सॉलिड नेचर का प्रोपेलेंट होता है, इस बारे में बात कर चुका हूँ। कारगिल वार के समय में है ना, आफ्टर कारगिल वार टू एक गैप था जो 250 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर के बीच का एक मिसाइल चाहिए था, तो 250 से 2500 के बीच का एक मिसाइल का मतलब अग्निवन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अग्निवन की जो डिस्टेंस है वो 750 से तकरीबन 1000 किलोमीटर है, तो 250 और 2500 उन दोनों के बीच में वैल्यू आ रही है, तो इसीलिए अग्निवन यहाँ पर डिसाइड हुआ था। दूसरा जो अग्निवन है उसकी पूरी लंबाई जो है, अग्निवन जो लंबा है वो 15 मीटर लंबा है और तकरीबन 1000 किलोमीटर तक का गोला बारूद ले जा सकता है, ये पूरी कहानी है जो कि अग्निवन की है। आगे बढ़ते हैं ICGS वराह, ICGS वराह, ICG का पूरा नाम है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG का नाम लिखा हुआ है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक नया ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको लॉन्च किया है, जिसे लार्सन एंड टर्बो द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर सुनने में क्या आया है कि इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो लगाई गई है वो उसको नेविगेशन, संचार सूचना, डिफरेंट इक्विपमेंट, सेंसर्स और मशीनरीज से जुड़े हुए, मतलब इनसे इनसे ओपीवी के अंदर मतलब इनको लगाया गया है, ठीक है। अब यहाँ बात होती है कि ये जो पूरा सिस्टम है जो ओपीवी है, ठीक है, इसका काम क्या है, ठीक है। तो ऊपर नाम ही देखो आपको यहाँ लिखा हुआ है ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक है। और ये जो है इसके बारे में बता दूं, इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 26 नॉट की, इसमें जो वेपन्स वाला लगाए गए हैं, बंदूकें वगैरह लगाई गई हैं, 30 mm है ना, इवन 12.7 mm की गन लगाई गई है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं है ना जो इसमें आती हैं। तो ये भी थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, जिसका नाम है ICGS वरहा। तो ICGS वरहा क्या है दोस्तों, तो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। अच्छा एक बात और बता दूं, जैसे आपके पेपर में पूछा था INS अस्त्रधारणी क्या है, कहीं ना कहीं देखिए पेपर देखने के बाद एक नजरिया तो मिल जाता है, INS अस्त्रधारिणी क्या है, तो उससे बोला गया था ये वेसल रिकवरी है ना, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रिकवरी करानी होती है तो वहां जाते हैं, चीजों को बनाते हैं, चले आते हैं। ओके, आगे बात करते हैं मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति। रक्षा ज्ञान शक्ति जो है, यहाँ पे जो हमारी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इस मिशन को लाया है, मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, जहाँ उन्होंने एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे इन्वेंशंस और इनोवेशंस पर डिस्कशंस हुए थे, तो खोज और नई चीज़ें जिन्हें लाई जाए, जिनको अचीव किया था अगर देखा जाए तो, मतलब भारत में अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसी बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट तरह के डिफेंस सेक्टर से जुड़ी चीज़ों को बना रहे हैं और उनको यहाँ पर पेटेंट करने के लिए बात की जा रही है। तो कौन कौन से ट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबको पता है DRDO एक लीडिंग रोल है, इसके अलावा डिफेंस पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है। इन तीनों स्तर पर जाकर हम, ठीक है, इन तीनों स्तर पर जाकर हम क्या कर रहे हैं, नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस जो डिफेंस सेक्टर से अचीव किए जा सकते हैं उनको कर रहे हैं और उनको पेटेंट कर उनके एप्लीकेशंस को हम अपने लिए प्रयोग में लाने की बात कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस मिशन के द्वारा हम पूरी तरह से कोशिश करें कि हमारा डिफेंस जो हो वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाए, हम नए इन्वेंशंस करें, है ना, नए इनोवेशंस लाएं, इस तरह की चीज़ें करें। और कहीं ना कहीं इसका जो रोल है कि हमारा जो IPR है, उसका जो कल्चर है इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री में भी, उसको बूस्टअप किया जाए, ऐसी चीज़ें बनाएं जिनका हम पेटेंट करें। और हम बेसिकली क्योंकि अमेरिका जैसे, इसराइल जैसे कंट्री ने भी पेटेंट करें, इन तरफ चीज़ों को दूसरे राष्ट्र को भेजा है। अगला जो टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, लेजर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी। फिलहाल इन पर करंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अगला टॉपिक है IPR, करंट से कोई क्वेश्चन नहीं। अगला टॉपिक है एस्ट्रोनॉमी पार्टिकल फिजिक्स, करंट से कोई प्रश्न नहीं है। अगला टॉपिक है दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है, इस बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने मिलकर एक अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट जो है वो लाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ऑल DNA सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, दुनिया में हर किसी के, वो जैसे मान लो कोई एनिमल हो, कोई प्लांट है, कोई फंगल स्पीसीज है, वो अगले 10 सालों के अंदर सारा का सारा हम DNA सीक्वेंसेस को सबका इकट्ठा कर लेंगे। और तकरीबन सीक्वेंसिंग 1.5 मिलियन डिफरेंट जीनोम्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4.7 बिलियन। तो बता रहे हैं तकरीबन इतना डिफरेंट जीनोम्स हैं, है ना, 1.5 मिलियन डिफरेंट जीनोम्स एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4.7 बिलियन जो हमारा खर्चा होने वाला है। अर्थ बायोजीनोम प्रोजेक्ट्स जो है उसमें तकरीबन जो बोला जा रहा है कि पूरी तरह से दुनिया के हर किसी के अगर जीनोम को कंजर्व कर लेगा, जीनोम के डेटा रख लेगा, तो कहीं ना कहीं 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल, प्लांट, प्रोटोजोआ एंड फंगी विद इन अ डिकेड, ठीक है, ये सारी चीजों का डेटा हम इकट्ठा करें। यानी इनको हम अगर बायोलॉजी आप जानते हैं तो इनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या आता है, प्लांट आता है, एनिमल आता है, फंगी आता है, तो उन्हीं का डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं। अब बात होती है कि ये डेटा वगैरह स्टोर करने से क्या होने वाला है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो डेटा सीक्वेंसेस वगैरह जो दुनिया के यूकैरियोटिक स्पीसीज को जो हम शेप कर रहे हैं, जिनमें एनिमल, प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोआ सब आ रहे हैं, इन सब की मदद से दोस्तों हम लोगों को बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। उन जीवों के संरक्षण में हमें मदद मिलेगी, ओके, किसी नियम को समझने में मदद मिलेगी, विकास के क्रम को समझने में हमें मदद मिलेगी, कोई जीव एंडेंजर्ड हो रहा है उसको, उसके खत्म होने के, विलुप्त होने की कगार पर किस तरह के रीजन से, उसके बारे में पता चलेगी। तो इन सारे जो DNA स्टडीज हैं इनकी मदद से हम ये सब करने वाला है। तो मैंने बता दिया 1.5 मिलियन जीनोम्स को हम तकरीबन 2028 तक अचीव करेंगे, जिसका नाम है अर्थ पर के बायोलॉजी में जो जीनोम है, यानी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके जीनोम के सारे के सारे डेटा निकालने की बात हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं ये अचीव होता है कि नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ी चीज़। असल में क्या होता है दोस्तों कि 10 to the power, अगर आपको थोड़ा सा कभी पता नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी ने बताया हो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक पेरेंट्स के 10 to the power 32 टाइप्स के बच्चे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप ये छोड़ो, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो कितने तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं DNA या जीन में, आप सोच नहीं सकते, लेकिन इस वैल्यू से आप समझ सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है पूरी दुनिया में अगर आप DNA सीक्वेंसेस उस तरह की चीजें ले लेंगे, तो हो सकता है एक किसी DNA सीक्वेंस का कहीं अमेरिका में बैठे किसी आदमी के किसी DNA और जीन डेंटिक सीक्वेंस से काफी हद तक सिमिलर हो जाए फिलहाल। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं, उनसे जुड़े हुए जो इश्यूज हैं, तो यहाँ पर हम हेली क्लिनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो कुछ नहीं है दोस्तों, हेलीकॉप्टर के द्वारा क्लिनिक चलाने की बात हो रही है, और जो शहर के डॉक्टर होते हैं किसी रिमोट एरियाज वगैरह में जाकर वो क्लिनिक, मतलब उस तरह के मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। होता क्या है, यूनियन मिनिस्टर ने हेली क्लिनिक्स यानी हेलीकॉप्टर क्लिनिक्स फॉर रिमोट एरियाज लॉन्च किया है, जिसका पर्पज होता है कि मेडिकल केयर देना, और जितने भी लोग हैं जैसे हिली टेराइन एरियाज में हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एरियाज में, वहां पर हेलीकॉप्टर एक तरीका होगा जिसके द्वारा डॉक्टर को पहुंचाया जाएगा, लोगों को उनके साथ जोड़ा जाएगा। पिछले 4 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रीवियस जो मेजर्स किए गए उसके बारे में बता दूं, इन्होंने एक डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ जो वेलनेस सेंटर होते हैं आयुष्मान भारत के थ्रू जो इनके अंदर लाए गए हैं और जो पूरे भारत में काम कर ही रहे हैं, स्पेशली जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लिए हेलीकॉप्टर क्लिनिक्स की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया होने से वहाँ डॉक्टरों को पहुँचाने में थोड़ी जटिलता होती है। तो डॉक्टर अपना जाएंगे, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाएंगे, उनको दिखाएंगे, डॉक्टर पेशेंट अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, जो दवाइयाँ होंगी उनको देखेंगे, ये पूरा प्रोसीजर है जो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया।
माइक्रोबायोम रिसर्च क्या है? आजकल बहुत ज़्यादा इस पर काम चल रहा है. एक्चुअली नवंबर 19 से 22 के बीच पुणे में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि माइक्रोबायोम रिसर्च पर आधारित था. ह्यूमन माइक्रोबायोम जो प्रोजेक्ट है, इसमें होता क्या है कि हमारे मानव के शरीर में डिफरेंट तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ओके, और जो एक पूरी कम्युनिटी, पूरा साम्राज्य बनाकर रहते हैं, उन्हीं की स्टडी को हम ह्यूमन माइक्रोबायोम के नाम से जानते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत ही विशेष रोल प्ले करते हैं किसी भी जीव के अंदर. कहीं ना कहीं हो सकता है उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अच्छा कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें कोई इनडाइजेस्टिबल जो कार्बोहाइड्रेट हो उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फैट्स हो उस तरह की, या इवन बहुत सारे एसेंशियल विटामिंस हैं. हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को मेंटेन करना है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन्स, बीमारियों के अगेंस्ट में, मतलब जो है कुछ ना कुछ इम्यूनिटी बनाना. तो कहीं ना कहीं इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं. इवन हमारे शरीर के अंदर होते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी मदद से बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. न्यूट्रिशंस और काफ़ी हद तक बेटर रहेगा. आगे बढ़ते हैं. माइक्रोबायोम का जो रिसर्च है, इसके बायो में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस टॉपिक पर आते हैं. मिसलेनियस टॉपिक में एक टॉपिक जो बड़ा प्यारा सा है, जिसका नाम है वर्ल्ड ट्वाइलेट डे. तो वर्ल्ड ट्वाइलेट डे के बारे में बता दूं दोस्तों, 19 नवंबर को वर्ल्ड ट्वाइलेट डे यूएन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली डेसिग्नेट किया है, ठीक है. और ये चीज 2013 से हो चुकी है, यानी 2013 में ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे घोषित किया गया है. अब बात होती है कि ये वर्ल्ड टॉयलेट, जो टॉयलेट लगाने की बात है या बनाने की बात है 2030 तक, उसको जब सबसे पहले लाया गया यूएन वाटर के नाम से लाया गया, यूएन वाटर कोलेबोरेशन के नाम से लाया गया, जहां पर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म भी थे, उनके अलावा और भी उनके पार्टनर्स थे. सबसे पहली बात, वर्ल्ड टॉयलेट डे जो इस्टेब्लिश हुआ था वो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हुआ था 2001 में, ठीक है. ये पहली बार की बात कर रहे हैं, ठीक है. वो अलग बात है कि वर्ल्ड टॉयलेट डे अपना प्रॉपर तरीके से आया है 2013 ऑनवर्ड से. असल में इससे पीछे जो है, जो ग्लोबल सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, आजकल मोदी साहब जो लगे हुए हैं और टॉयलेट्स वगैरह बनवा रहे हैं, तो उसको ही लगाने की बात थी. असल में दोस्तों, हमारा एक क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो तकरीबन 2015 के आसपास आई है, और जिसका टारगेट है 2030 तक. तो 2030 तक हमें क्या करना है कि एवरीवन शुड हैव अ सेफ टॉयलेट, ओके. और कहीं से भी कोई भी बाहर, अब कहीं बाहर खेतों में या कहीं उधर, है ना, नहीं जाएगा, तो आपके घर पर आराम से रहेगा. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो छठा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है, उसका ये पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है. आगे बात करते हैं क्वाड्री साइकिल्स के बारे में. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल है, जिसको बेहतर होगा कि आप यूज करें, तो आपका हेल्थ भी अच्छा और आप फ्यूल भी बचेगा. वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इसका अप्रूवल दे दिया है कि सेल ऑफ अ क्वाड्री साइकिल जो किसी भी पर्सनल यूज के लिए आप कर सकते हैं. तो बात होती है, क्वाड्री साइकिल है क्या? ये एक ऐसा व्हीकल है जिस जो उस साइज का है जिसमें 3 व्हील लगे हुए हैं, है ना, बट विथ 4 टायर, ओके. अब पूरी तरह से ये कवर है जैसे कि एक कार कवर होती है. प्रॉपर तरीके से बोलो दोस्तों, ये एक ऐसा इंजन है क्वाड्री साइकिल जो कि 3 व्हील को एक दूसरे से जोड़कर काम कराता है. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिस किया है कि क्वाड्री साइकिल जो है एक नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंदर आया है. क्वाड्री साइकिल में जनरली क्या होता है कि इस एक्ट के अंदर कि यहाँ पे जो नॉन ट्रांसपोर्ट है उनके लिए भी काफ़ी हद तक, यानी कहने का मतलब है दोस्तों, पर्सनल यूज़ के लिए भी. ट्रांसपोर्ट के लिए जो साधन होते हैं वो तो दूसरे होते हैं, जैसे बसेस होती हैं, गाड़ियां होती हैं, कार, ट्रेन्स होते हैं. यहाँ पे जो नॉन मतलब पर्सनल यूजर्स के लिए ये चीज़ होगी जो पहली बार लाई गई है. तो इसके साथ ही मैं यहाँ पे वीडियो समाप्त करता हूँ. बाकी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स हैं, थोड़े इस मंथ के जो मैंने करंट अफेयर्स पढ़े हैं, जो आपको समझाने की कोशिश की है, वो थोड़े इस मंथ में थोड़े बोरिंग है, गॉट इट. तो डोंट बी बोर, बट आई विल एडवाइस यू कि ये मैटर नहीं करता कि कोई टॉपिक बोर है या इंटरेस्टिंग है. जैसे पूरे दिन में, साल में देखे तो कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, लेकिन बुरे दिन भी हमारे उसी साल के पार्ट होते हैं. तो इस साल महीने में थोड़े करंट अफेयर्स में फैक्चुअल पार्ट ज़्यादा है, जिन्हें बहुत ही स्लो तरीके से मैंने डिस्कस किया है. और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अपने सुझाव मुझे हमेशा देते रहिएगा.
थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।